ओके, अपडेट आ गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड हो गई है टीम इंडिया की। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड हो गई है, मतलब टीम इंडिया विश्व विजेता जो हमारी टीम है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी है। हमारे खिलाड़ी स्वदेश वापस आ गए हैं ट्रॉफी लेकर, वो विश्व विजेता वाली ट्रॉफी लेकर। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, फ्लाइट लैंड हो गई है। कुछ ही देर में जो खिलाड़ी हैं अब वहां से बाहर आएंगे और जाएंगे आईटीसी मौर्य की तरफ। एक बार फिर मैं आपको एयरपोर्ट लिए चलता हूं, फ्लाइट लैंड हो गई है। जीएस विवेक, ओवर टू यू। जी हाँ बिल्कुल विवेक, और फ्लाइट लैंड हो चुकी है। आपको ये बता दें कि क्योंकि मैं अभी अभी बारबाडोस से यहाँ आया हूँ तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि कितना समय लगेगा। मैं वीवीआईपी तो हूँ नहीं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। मुझे भी सिर्फ 15 मिनट लगे वहाँ से हम सब मीडिया वालों को कि आए, इमिग्रेशन क्लियर किया और उसके बाद सीधा बस पर बैठेगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अभी लैंड हुआ टैक्सी होके जो वो एयरपोर्ट पे आएंगे। लगेज टीम इंडिया को कलेक्ट नहीं करना क्योंकि उसके लिए एक अलग बंदा है जो अपने लगेज टीम इंडिया के किट बैग वगैरह लेके आएगा। तो प्लेयर्स जितने भी हैं वो उतरेंगे सीधा एयरक्राफ्ट से, और एयरक्राफ्ट से उतर कर सीधा इमिग्रेशन को क्लियर करते हुए वो जो है टीम बस पे आके बैठ जाएंगे। दो बसें हैं यहाँ पर जिनके लिए तैयार की गई है, उस दोनों बसों के बाद एक आगे उनके पास पुलिस का स्क्वाड व्हीकल होगा जिसकी तरफ जो है वो यहाँ पर वीआईपी जोन से सीधा मौर्य शेरेटन की तरफ जाएंगे। बारिश यहाँ लगातार हो रही है, लेकिन जैसे कपिल पाजी ने कहा कि बारिश और तूफान, तो एक तूफान तो इंडियन टीम मचा के आई है, लेकिन आप ये देखिए कि जैसे उन्होंने बारबाडोस को छोड़ा ठीक वैसा ही स्वागत उनका यहाँ पर दिल्ली में भी हो रहा है। मूसलाधार बारिश में ही वो निकले थे, बहुत मुश्किल था ये टीम के लिए। जब मैं लगातार बात कर पा रहा था रोहित से, विराट से, टीम इंडिया के प्लेयरों से, जब आप जीतते हो तो आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है कि आप जल्दी से घर जाएं। यहाँ पर फ्लाइट लैंड हो चुकी है और जीएस विवेक लगातार हमें एयरपोर्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं। विवेक आप हमारे साथ बने रहिए, अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं अजातिका के पास। आईटीसी मौर्या में ये जो टीम है वहीं रुकने वाली है। अजातिका, वहां पर कैसे बंदोबस्त इंतजाम किए गए बताइए जरा। जी बिल्कुल विवेक, देखिए खुशी का मौका है और इंतजार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है नजदीक जैसे जैसे ये पल आ रहे हैं। हालांकि टीम इंडिया लैंड कर गई है, लेकिन उनका जो पूरा रास्ता है वहाँ पर भी तस्वीरें कलरफुल देखने को मिलेंगी। वो जहाँ ठहरेंगे, ठहरने की व्यवस्था आईटीसी मौर्य पर है, तो यहाँ पर देखिए फिलहाल फैंस का जमावड़ा आपको नहीं नज़र आएगा क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आएगा आपको यहाँ पर तस्वीरें बदलती हुई दिखेंगी। और एहतियात के तौर पर इसीलिए देखिए आसपास सीआरपीएफ भी नज़र आ रहा है, आसपास दिल्ली पुलिस और आईटीसी मौर्य का जो अपना स्टाफ है वो भी बाहर नज़र आ रहा है। कुछ वेलकम के लिए भी है तो कुछ एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए भी है। जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में जिस तरह से फैंस एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए नजर आ रहे हैं, वो सभी फैंस दिल्ली की सड़कों पर भी नजर आएंगे, आईटीसी मौर्य पर भी नजर आएंगे, जो स्वागत करेंगे पूरी टीम इंडिया का, जश्न मनाएंगे उस शानदार जीत का जो बारबाडोस ने वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में दिखाई है पूरी दुनिया को। और आप वहीं बने रहिए और नजर बनाए रखिए, कुछ ही देर में जब टीम यहाँ से निकलेगी तो पहुंचेगी आईटीसी मौर्य। लेकिन इसके अलावा मैं आपको सीधा वहां लिए चलता हूं जहां से इंडियन टीम का दीदार आप हम सब करने वाले हैं। शिरीन वहीं पर खड़ी हैं। शिरीन बताइए कितनी देर में टीम इंडिया बाहर आएगी। देखिए बिल्कुल विवेक, मैं बिल्कुल उसी एंट्री पॉइंट पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ये चाक चौबंद व्यवस्था देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से इंतजार यहाँ पर टीम इंडिया का हो रहा है किसी भी वक्त, क्योंकि अब फ्लाइट लैंड कर चुकी है तो जाहिर है कि थोड़ी देर बाद इसी गेट से टीम निकलेगी। और बाहर आप ये दो बसें भी खड़ी हुई देख रहे हैं, इन्हीं बसेस के जरिए यहाँ से होते हुए आईटीसी मौर्य टीम इंडिया निकलेगी। और वहाँ गेट पर इंतजार फैंस कर रहे हैं बेसब्री से, क्योंकि इन तमाम जो अपने क्रिकेटर्स हैं, जो विश्व विजेता हैं, जो पूरी दुनिया को जीत कर यहाँ लौटे हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। तो यहीं से बस थोड़ी देर, जैसा विवेक ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अब बहुत ज़्यादा वक्त रह नहीं गया, अगर फ्लाइट लैंड कर गई है तो जाहिर तौर पर वीवीआईपी ये गेट है तो कुछ ही समय में यहाँ से निकलेंगे। और उसके बाद यहीं से होते हुए जो बस यहाँ पर खड़ी हुई है, पूरा इंतजाम है यहाँ, क्योंकि ठीक उस तरफ बाहर जहाँ जीएस विवेक खड़े हुए हैं वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो फैंस हैं। लगातार बारिश हो रही है, मैं एक बात अपने दर्शकों को बता दूं कि बारिश के बावजूद यहाँ से कोई हिल नहीं रहा है, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, डटे हुए हैं, क्योंकि वो एक बार बस किसी भी तरीके से इन विजेताओं को देखना चाहते हैं। वो विजेता जो जीत की इबारत लिखकर, दुनिया जीतकर
वतन वापस लौटे हैं। वतन वापसी में थोड़ा समय इसलिए जरूर लगा क्योंकि बारबाडोस में तूफान आया था जिसकी वजह से सभी वहां पर फंस गए थे, लेकिन अब ट्रॉफी और हमारे विश्व विजेता इंडिया लौट रहे हैं। किसी भी पल आपको इसी गेट से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। हमारे तमाम जो क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे चैंपियंस हैं, यहीं से उनकी वापसी होगी। और कैसे एक इंतजार जो था 17 सालों का लंबा, वो अब चूंकि खत्म हो गया है, उसका दीदार करने के लिए हमारे चैंपियंस को बस एक निहारने के लिए एक झलक उनकी दिख जाए, यहाँ पर लगातार नारेबाजी तक हो रही है। कोई रोहित शर्मा का नाम ले रहा है तो कोई विराट कोहली का नाम ले रहा है। एक एक करके यहाँ पर जो फैंस हैं वो बढ़ रहे हैं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि रात से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी लगी, यहाँ पर उनका जुटना शुरू हो गया फैंस का। पूरी तैयारियां हैं, चाक चौबंद तैयारियां की गई हैं और कुछ इसी तरीके से यहां इंतजार अब बस हमारे चैंपियंस का हो रहा है विवेक, कि किसी भी वक्त वो यहां पर पहुंचे। और यहीं से सबसे पहली तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को यहां दिखाऊंगी। देखिए सिक्योरिटी के किस तरीके से खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं, चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर की गई है। और ये जो दो बसेस खड़ी हैं यहां पर, मैं फिर अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि इन्हीं बसेस के जरिए जो हमारे टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं वो यहां जैसे ही निकलेंगे इन्हीं बस में सवार होकर इसी रास्ते से होते हुए ITC मौर्या का रुख करेंगे। ITC मौर्या में रुकने के बाद फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। देखिए फोन पर बातचीत हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर सभी को बधाई दी थी, सभी को धन्यवाद भी कहा था, क्योंकि ये जो गर्व महसूस करने का मौका है, एक जो सूखा 17 सालों का पड़ा हुआ था वो हमारे इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से खत्म हो पाया। और उसके बाद कैसे पूरे देश में जश्न मनाया जाएगा अलग अलग जगहों पर। अच्छा ये भी आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर ITC मौर्या जो होटल है वहाँ तक कई जगहों पर अलग अलग रास्तों में भी फैंस इकट्ठा हैं, वो भी वहाँ जुटे हुए हैं और अलग अलग तरीके की तैयारियाँ उनके जरिए भी की गई हैं। उसके बाद जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे सारे खिलाड़ी, जब यहाँ से निकलेंगे तो फिर जाएंगे मुंबई, और वहाँ पर किस तरीके से बड़ा इंतजाम वहाँ किया गया है। नरीमन पॉइंट से मरीन ड्राइव होते हुए बस में सवार होकर, ये खुली बस में सवार होकर हमारे सारे खिलाड़ी उन तमाम लोगों को दिखाई देंगे जो इंतजार कर रहे हैं अपने विजेताओं से मिलने का। और ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं।